हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू फिजिकल साइंस पेपी क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेकर आया हूँ जिसका आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, और शायद इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद ही क्लियर कर सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम अक्टूबर 2019 में मिसलेनियस टीचर्स का हुआ था उसका रिजल्ट कब तक आएगा। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ और क्लियर करूँगा कि आप लोगों का पर्सनल इंटरेक्शन होगा या API बेस्ड मार्क्स जो हैं आपकी मेरिट लिस्ट में चढ़ेंगे। API मीन्स एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो मार्क्स होंगे वो आपका इंक्लूड होगा या फिर पर्सनल इंटरेक्शन होगा। ये सब सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखें, और पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लास्ट में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें सो दैट आपको NVS, KVS, DSSSB रिगार्डिंग जितने भी नोटिफिकेशन रहेंगे आप लोगों को इस चैनल्स के माध्यम से मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं 23 दिसंबर 2019 को जारी हुआ है NVS द्वारा, यानी नवोदय विद्यालय समिति द्वारा। यह फ्रेंड्स, यह जो नोटिफिकेशन है यह 2012 मिसलेनियस कैटेगरी टीचर्स का जो एग्ज़ाम हुआ था, इंटरव्यू भी हो चुका था, इवन ज्वाइनिंग हो चुकी थी, फिर भी यह कोर्ट में चला गया था। क्यों? क्योंकि इसमें एक ऑब्लिगेशन लगा हुआ था कि यह जो भर्ती हुई है वो MR बेस्ड पे थी और इनमें वाइटनर का यूज हुआ था। सो फ्रेंड्स, यह जो केस था इसको जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लियर कर दिया है, और फ्रेश मेरिट लिस्ट जो है जारी करने के लिए NVS को एक ऑर्डर पारित कर दिया था, जिसका जो है फ्रेश मेरिट लिस्ट जो है आज जारी हो चुका है, और उनको एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम से बुलाया गया है, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट होगा 8 जनवरी से लेकर 22 जनवरी के बीच होगा। और यह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्राइजेस विथ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बेस्ड मार्क्स टेस्ट है। सो फ्रेंड्स, चलते हैं आगे स्क्रॉल करके, जिससे आप लोगों को क्लियरली एक पिक्चर मिल जाएगा कि क्या होने वाला है आप लोगों के साथ। सो फ्रेंड्स, यह देख लीजिए, यहाँ पर सब्जेक्ट जो लिखा है इनकॉम्प्लियंसेस टू द ऑर्डर डेटेड 30 अप्रैल 2018 एंड 21 जनवरी 2019 ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ड्राइंग फ्रेश मेरिट लिस्ट ऑफ मिसलेनियस कैटेगरी टीचर्स विथ रिस्पेक्ट टू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज डेटेड 24 to 30 मार्च 2012। फ्रेंड्स, यहां से आप देख सकते हैं, और जैसे हम नीचे जाएंगे तो इनका जो फ्रेश मेरिट लिस्ट जो जारी हुआ है उसका लिस्ट जो है मैं आपको दिखाऊँगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं कि द हाई कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड द नवोदय विद्यालय समिति टू कंडक्ट फ्रेश इंटरव्यू एज पर द रिक्रूटमेंट रूल्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हाई कोर्ट है उन्होंने फ्रेश इंटरव्यू के लिए एक तरीके से नवोदय विद्यालय समिति को डायरेक्ट किया था कि कंडक्ट द फ्रेश इंटरव्यू एज पर द रिक्रूटमेंट रूल्स। बट हियर इट इज़ मैंसन दैट वी मेक इट क्लियर दैट सिंस 60 मार्क्स आर असाइंड फॉर द इंटरव्यू, यानी 60 मार्क्स का इंटरव्यू था टोटल मिसलेनियस कैटेगरी टीचर्स के लिए अप टू 2012 के एग्जामिनेशन तक। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, अप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ द मार्क्स एल बी गिवेन इन रेस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन परफॉर्मेंस। यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन परफॉर्मेंस इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन प्लस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज प्लस वर्क असेसमेंट्स प्लस वर्क एक्सपीरियंसेस, यह जो है यानी कि जो आप लोगों का इंटरव्यू के लिए जो बोला गया था उसको जो है इन रेस्पेक्ट में अभी क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया है कि आप लोगों का जो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू न होकर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बेस्ड जो नंबर होंगे उस पे मिलेगा, यानी कि टोटल API एक तरीके से एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स वाला जो नंबर होगा वो आपकी मेरिट लिस्ट में जुड़ेगा और आपकी फ्रेश मेरिट लिस्ट जो है जारी होगा। सो फ्रेंड्स, चलते हैं पता करते हैं कि इनका जो नंबर डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितने मार्क्स का है। तो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख रहे हैं, परफॉर्मेंस इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, प्लस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कितने मार्क्स हैं, वर्क असेसमेंट्स में कितने मार्क्स दिए जाते हैं, एंड वर्क एक्सपीरियंस में कितने मार्क्स जो है NVS द्वारा अलॉट किए गए हैं। ये सब सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, नीचे स्क्रॉल जैसे करेंगे आपको पता चल जाएगा, यहाँ पर देखिए जो मिसलेनियस टीचर्स का जो नोटिफिकेशन हुआ था 24 से लेकर 30 मार्च 2012 पर इन रेस्पेक्ट ऑफ मिसलेनियस कैटेगरी टीचर्स, यहाँ पर देखिए अल्फ़ा में देखिए ए में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है 15 मार्क्स का मैक्सिमम है, जिसमें यदि हाई स्कूल में यदि आपके
टोटल जो मार्क्स हैं उसमें से यदि आप मैक्सिमम जो मार्क्स स्कोर करते हैं तो उसमें यानी कि जो आपका टोटल मार्क्स होगा वो 5 पॉइंट्स का होगा, इंटरमीडिएट का भी टोटल 5 पॉइंट्स का होगा और हायर क्वालिफिकेशन में भी टोटल जो है 5 पॉइंट्स का जो होगा मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 15 मार्क्स का होगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो इलुस्ट्रेशन है इस तरीके से आप देख सकते हैं, यदि आपने यदि इफ़ ए ऑब्टेंस 250 मार्क्स आउट ऑफ 500 मार्क्स यानी कि 500 मार्क्स में से यदि आपने 250 मार्क्स स्कोर किया है तो आपका कितने मार्क्स कितने पॉइंट्स होंगे, तो यहाँ पर दिया हुआ है एग्जाम्पल दिया हुआ है 5 × 250 / 500। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर जो आ जाएगा जो रिजल्ट आएगा 2.5। इस तरीके से यदि आपने 10th में 300 मार्क्स स्कोर किया है आउट ऑफ 600, तो यहाँ पर × 5 कर लीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना पॉइंट बन रहा था, यहाँ 2.5 यानी 350 स्कोर किए हैं। तो इस तरीके से आप जितने भी स्कोर किए हैं आप × 5 कर लीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से 12th का भी आप निकाल सकते हैं, इफ़ ए ऑब्टेन 400 मार्क्स आउट ऑफ 500 देन टोटल स्केल पॉइंट्स कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कैसे होगा, 5 × 400 / 500 इक्वल टू 4 मार्क्स यानी 4 पॉइंट्स। इस तरीके से आप लोगों का जो जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है प्लस प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं उसमें भी 5 मार्क्स जो हैं आप लोगों को अलॉट किए गए हैं। यदि आपने एमए किए हुए हैं, एमए हैं यानी किसी भी एमए या पीजी एमएससी जो भी है तो 1 मार्क्स अलॉट होगा आपको मिलेगा, यदि एमफिल हैं तो 2 मार्क्स मिलेगा, पीएचडी हैं तो 3 मार्क्स मिलेगा, डीलिट हैं तो 5 मार्क्स मिलेगा, यानी मैक्सिमम जो है 5 मार्क्स जो हैं अलॉटेड हैं। तो टोटल जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के मार्क्स हैं वो 15 मार्क्स हैं। इस तरीके से देखते हैं नीचे बी में क्वालिफाइंग एग्जाम मैक्सिमम 25 पॉइंट स्किल एज इलुस्ट्रेटेड एबव कंबाइनिंग द मार्क्स ऑफ इसेंशियल एकेडमिक एंड प्रोफेशनल डिग्रीज। देखिए यहाँ पर इफ़ ए ऑब्टेन 250 मार्क्स आउट ऑफ 500 मार्क्स देन ए विल कितने मार्क्स स्कोर करेगा, 25 × 250 = 12.5 मार्क्स जो है स्कोर करेगा। ये जो है क्वालिफाइंग एग्ज़ाम यानी क्वालिफाइंग एग्ज़ाम जो आपका हुआ था 180 का हुआ था, जिसमें यदि आप इसका जो है यदि यदि आपने 180 मार्क्स आउट ऑफ 180 मार्क्स जो आपने स्कोर किया है, मान लीजिए 100 मार्क्स स्कोर किया है, तो आपका जो स्केल पॉइंट हो जाएगा 25 × 100/180 हो जाएगा आपका ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम का पॉइंट्स हो जाएगा। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका जो है मार्क्स जो है यानी कितने पॉइंट्स आप स्केल में आ रहे हैं। इस तरीके से नीचे जैसे स्क्रॉल करेंगे नंबर सी जो देखेंगे एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटीज़ मैक्सिमम 10 मार्क्स। देखिए फ्रेंड्स ये जो एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए जो अलॉटेड मार्क्स है वो 10 मार्क्स हैं। यदि आपने NCC किया हुआ है और बी सर्टिफिकेट होल्डर हैं देन यू विल गेट 1 मार्क्स और सी सर्टिफिकेट हैं तो 2 मार्क्स। यदि NSS हैं 240 आवर्स तक आपने सर्विस सेवा दिया हुआ है तो यू विल गेट 2 मार्क्स। यदि 120 आवर्स है तो 1 मार्क्स। इस तरीके से स्काउट एंड गाइड के लिए भी है प्रेसिडेंशियल अवार्ड पाए हैं तो देन यू विल स्कोर 2 मार्क्स एंड गवर्नर अवार्ड है तो 1 मार्क्स। एनी अदर कोरिकुलर एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज कंडक्टेड बाई स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स कॉम्पिटिशन जो भी आपने पार्टिसिपेशन किया हुआ है स्टेट लेवल पे इंटर यूनिवर्सिटी पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपने पार्टिसिपेशन किया हुआ है तो देन यू विल गेट 1 मार्क्स, स्टेट लेवल पर है तो 2 मार्क्स, रिप्रेजेंटेटिव नेशनल यदि आपने नेशनल रिप्रेजेंट किया है देन विल बी मैक्सिमम 3 मार्क्स और इंटरनेशनल आपने रिप्रेजेंट किया है देन विल बी अवार्डेड एज 4 मार्क्स 4 पॉइंट्स। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटीज़ जो है वो भी आप लोगों को जो है नंबर जो है प्रोवाइड कर रहा है। इस तरीके से वर्क एक्सपीरियंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, यदि आप प्राइवेट टीचर हैं यदि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है देन दिस मार्क्स विल बी अ वेरी बेटरमेंट टू प्ले अ गुड रोल इन योर मेरिट लिस्ट। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए वर्क एक्सपीरियंस मैक्सिमम 10 मार्क्स का है तो 1 मार्क्स फॉर ईच एकेडमिक ईयर नॉट लेस देन 6 मंथ्स। यदि आपने एक साल अगर आपने आपका एकेडमिक ईयर एक्सपीरियंस है देन यू विल बी गेट 1 मार्क्स, यदि 10 ईयर्स का है तो यू विल बी मैक्सिमम गेट
10 मार्क्स इस तरीके से। तो ये था आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स टेस्ट, बेस्ट टेस्ट था जो कि इंटरव्यू की जगह पे इसको इस बार फॉलो किया गया है एनवीएस द्वारा। हो सकता है फ्रेंड्स कि जो आप लोगों का पर्सनल इंटरेक्शन है वो जो है इन प्लेस ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन एनवीएस हेडक्वार्टर्स विल फॉलो दिस टाइप्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विच इज़ डायरेक्टेड बाय योर हाई कोर्ट ऑब्लिक सुप्रीम कोर्ट। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट आएगा, आप लोगों का रिजल्ट जो आएगा इसी बेस पर आना चाहिए। और तो और इनका जो एग्ज़ाम होगा यानी कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ये कब से कब तक होगा, देखिए आर्ट टीचर के लिए 85 नंबर ऑफ स्टूडेंट कैंडिडेट्स को बुलाया गया है जिसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस जो आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स बेस्ड जो नंबर अलॉट होगा वह होगा 8 जनवरी से लेकर 9 जनवरी के बीच में 85 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है आर्ट टीचर के लिए। म्यूजिक टीचर्स को यानी टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है 128 हैं। इनका जो डेट जो अलॉट किया गया है 9 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक, इस तरीके से आप देख सकते हैं। लाइब्रेरियन के लिए 99 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है और इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट है 13, 14 और 15 जनवरी है। और पीटी फीमेल का देख सकते हैं कि 119 कैंडिडेट को कॉल किया गया है और इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 15 जनवरी 16 जनवरी और 17 जनवरी है। इस तरीके से पीटी मेल का भी देख सकते हैं आप, 227 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिनका ऑफिशियल डेट डिक्लेयर हुआ है 17, 18, 20 और 21, 22। यानी कि इस तरीके से डेट जो है सब्जेक्ट वाइज जो है कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। और यहाँ पर जो है लिस्ट आप देख सकते हैं रोल नंबर वाइज है, आर्ट टीचर के लिए 89 यानी कि 8 जनवरी से लिया गया है और रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है इनको 9 AM। और इस तरीके से आप स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स यह जो है आप इनका जो यानी 2012 का जो कोर्ट केस का जो ऑर्डर आया है एनवीएस हेडक्वार्टर के लिए कि इनका फ्रेश मेरिट लिस्ट जारी हो और इनका जो है ज्वाइनिंग जो है बिफोर जुलाई 2020 हो जाना चाहिए, तो यही एक रीज़न था जो मिसलेनियस कैटेगरी टीचर्स का और टीजीटी टीचर्स का जो रिज़ल्ट को इतने देर में अनाउंस होने के लिए जो देरी हो रही है, और कोई रीज़न नहीं था, बस यही एक रीज़न था जिसका अभी इसका यानी कि आप देख सकते हैं कि इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट का जो लास्ट डेट है पीटी मेल का है मिसलेनियस टीचर्स का यानी कि 22 जनवरी है। तो आप लोगों का जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट तो पहले होगा बट आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या पर्सनल इंट्रैक्शन होगा यह जो डिक्लेरेशन होगा वो बहुत ही पहले हो जाएगा, हो सकता है जनवरी फर्स्ट वीक या तो दिसंबर एंड तक ही इसका जो है आप लोगों का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, रिजल्ट डिक्लेरेशन का डेट और रिजल्ट जो है रिटर्न रिजल्ट जो है मिल जाएगा। और यह भी क्लियर हो जाएगा साथ ही साथ कि एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स बेस्ड नंबर मिलेगा आपको या पर्सनल इंट्रैक्शन बेस्ड नंबर मिलेगा। फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, जो फ्रेंड्स का जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं यदि उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस जो प्रोफार्मा है यानी कि थोड़ा सा मीडियम टाइप का है यानी कि सेकेंड डिवीज़न पास है, वो अपने होप को मत हारिए बिकॉज यदि आपके पास सेकेंड डिवीज़न डिग्री भी है तो आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो के अभी आपके पास 1-2 महीने हैं, यदि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सर्टिफिकेट जो आपने पहले पार्टिसिपेशन किया हुआ है उसको हासिल कीजिए और उसको अरेंज कीजिए और साथ ही साथ वर्क एक्सपीरियंस ज़रूर आप लोग लगाइए यदि है तो, बिकॉज यही जो है यही सब नंबर जो है आपके एक्स्ट्रा जो मेरिट लिस्ट में एक तरीके से आपको अच्छे पायदान पर खड़ा करने के लिए सक्षम रहेगा। सो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।